नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर मेन्यू के बारे में। अगर हम बात करें क्लिपबोर्ड मेन्यू की तो इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने कट कॉपी पेस्ट से लेकर के पेस्ट स्पेशल तक जितने भी ऑप्शंस होते हैं इन सभी को कवर किया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट्स के बारे में और नंबर्स के बारे में। इन सभी का क्या यूज होता है और ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है फॉन्ट स्टाइल। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे स्टाइल दिखाई देंगे, आप इनमें से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप इसे रख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बेसिकली फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। आपका जो डेटा होता है इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज होता है वो 11 होता है और यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर वन टाइम वन बाय वन क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बी की, तो बी का मतलब है बोल्ड। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके उसे बोल्ड करके हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने किया इसको बोल्ड, ये देखिए बोल्ड करके हाईलाइट हो रहा है हमारा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी इसे हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। अब अंडरलाइन के अंदर एक ऑप्शन और होता है हमारा डबल अंडरलाइन का। आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सिंगल अंडरलाइन और दूसरी डबल अंडरलाइन। अगर आप डबल अंडरलाइन का यूज करते हैं तो इसके नीचे आप देखेंगे आपके पास डबल अंडरलाइंस यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो ये था हमारा अंडरलाइंस देने के लिए। अंडरलाइंस को हटाना है तो वापस आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बोल्ड को हटाना है तो वापस आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आपका बोल्ड भी हट जाएगा और अंडरलाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो आप देखेंगे हमने पहले से ही डेटा में बॉर्डर बनाया हुआ है। अगर हम सिंपल एक कोई नया डेटा फ्रेशली टाइप करते हैं और उसके बाद इसमें अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके आप चले जाइए बॉर्डर वाले ऑप्शन पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आपके सामने ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, यानी इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आपके सामने एक बॉर्डर दे देगा। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपका जितना भी डेटा होगा वो ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का। इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिस तरीके का आपको बॉर्डर चाहिए उस तरीके का बॉर्डर अब यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इरेजर की, तो आप चाहें तो इस बॉर्डर को यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं इरेजर के थ्रू। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स की, तो यहाँ पर जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ग्रिड्स में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आप बॉर्डर को ग्रिडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक साथ आप चाहें तो बहुत सारे बॉर्डर्स को ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, एक एक करके आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ से बॉर्डर के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जब भी आप ग्रिड्स यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर का कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लाइन के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, किस तरीके से आप इसकी लाइनिंग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड्स में अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर आप ड्रैग करके इसको डॉटेड में बॉर्डर्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हम बात करें मोर बॉर्डर्स की, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको बॉर्डर की पूरी सेटिंग्स आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आपको टॉप का बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक को हटा सकते हैं। बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉटम के टिक को हटा सकते हैं। यहाँ से जिसमें जिस साइड का आपको बॉर्डर नहीं चाहिए वो बॉर्डर यहाँ से हटा सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं। तो ये था हमारा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। अगर आपने किसी डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बैकग्राउंड में आप कलर से उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, जिस भी कलर से आप इसे हाईलाइट करना चाहें। अगर आप उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके फॉन्ट का जो कलर है वो रेड कलर हो गया। तो ये था हमारा फॉन्ट मेन्यू। उसके बाद अगर हम बात करें अलाइनमेंट मेन्यू की, तो अलाइनमेंट बेसिकली क्या काम करता है? अलाइनमेंट हमारा काम करता है डेटा को अलाइन करने के लिए। जैसे हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आपने टॉप का यूज़ किया है तो हमारा डेटा टॉप पे पहुँच गया है। अगर हम सेंटर का यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा सेंटर में आ जाएगा। और अगर हम बॉटम का यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा बॉटम में शो अप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत सारे स्टाइल्स एंगल्स फॉर्मेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल चाहे, वर्टिकल चाहे, या फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने एक वॉच टाइप की बनी हुई आएगी। इस वॉच के अंदर आप जिस भी एंगल पे कन्वर्ट करना चाहें अपने डेटा को, उस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डेटा मैनेज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलाइन की, तो यहाँ पर आप चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं इसको, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखिए आराम आराम से लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ पर इसे अलाइनमेंट्स कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग टैक्स रैप की, यानी रैप टैक्स की। तो ये रैप टैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी सेल में बहुत ही बड़ा डेटा लिखा हुआ है, अब होता क्या है कि ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपके जो आपका जो सेल है वो छोटा पड़ रहा है और डेटा आपका ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टैक्स रैप को। टैक्स रैप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, ना कि इसकी विथ को, यानी यहाँ से आप चाहें तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज कर सकते हैं, विथ को बिना इंक्रीज या डिक्रीज किए बिना। तो ये हमारा टैक्स रैप का काम है, टैक्स रैपिंग से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं उसकी विथ को, उसकी हाइट को इंक्रीज करके। इसके बाद अगर हम बात करें मर्ज एंड सेंटर की, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये दो सेल्स को आपस में मर्ज करता है, दो से अधिक भी सेल अगर आप ले लेते हैं तो इन सभी सेल्स को आपस में क्या करेगा, मर्ज कर देगा, यानी इनको एक सेल बना देगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इस पर क्लिक करने के बाद अगर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो एक तो ये मर्ज हुआ ही हुआ, साथ में साथ के साथ ये हमें सेंटर में भी लिखने की परमिशन दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एरोज, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एरोज। तो मर्ज एरोज क्या करेगा आपका, जैसे हम मर्ज एरोज पर क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या, हमारा जो एरोज है वो मर्ज हो गया, यानी कि जो हमारी ये, यानी जो हमारी ये कॉलम वाली लाइन थी, इसने इसको क्या किया, फिनिश कर दिया, इसने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो कॉलम की विड्थ थी वो यहाँ से खत्म हो चुकी है, यानी हम इसके अंदर कोई पार्टिकुलर दोनों में डेटा टाइप कर सकते हैं, यानी डबल सेल को इसने क्या किया है, मर्ज कर दिया है आपस में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद अगर हम बात करें मर्ज सेल्स की, तो मर्ज सेल्स बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, मर्ज सेल्स यूज़ होता है जैसे हमने 10 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, और जैसे हम मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद अगर हम यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे तो बेसिकली ये हमारे लेफ्ट में टाइप होगा, ना कि राइट में, और पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला सेंटर में टाइप हो रहा था, यानी मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन जो था हमारा वो मर्ज और सेंटर का ऑप्शन था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अनमर्ज की, तो अगर आपने जो डेटा बनाया हुआ है इसको आप चाहते हैं ये अनमर्ज हो जाए, तो यहाँ से जाकर के इसे अनमर्ज कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, अनमर्ज हो जाएगा, यानी जो आपका सेल पहले था वैसे ही उसी फॉर्मेट में ये वापस से आपको रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा अलाइनमेंट्स का पार्ट था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नंबरिंग के पार्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जिसका यूज मैं आपको अपने डेटाबेस पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जनरल ऑलरेडी ऑप्शन को हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से हम ले लेते हैं नंबर्स। तो नंबर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 0.00 में आपका ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो अगर हम यहाँ पर करेंसी का यूज़ करते हैं तो करेंसी से होगा क्या, हमारा जो भी डेटा था वो करेंसी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा करेंसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक करेंसी का सिंबल और शो हो रहा है आपके सामने, जिसके अलावा आप यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास यूनाइटेड स्टेट करेंसी, यूनाइटेड किंगडम की आपके पास करेंसी है, यूरो की करेंसी है, चाइनीज करेंसी है, और भी फ्रेंच वगैरह की करेंसी है। अगर आपको और मोर लेआउट चाहिए तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से क्लिक करके आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर करेंसी सिंबल शो हो जाएगा। अब इस वाले ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करके अपनी जो भी कंट्री की करेंसी है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे आपकी जितनी भी करेंसीज यहाँ पर हैं वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो जो भी करेंसी आपको यहाँ पर चाहिए वो करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी करेंसी वहाँ पर शो अप हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अकाउंटिंग की, तो आपका ये जो डेटा है वो अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट डेट और टाइम की, तो आपका जो डेटा है वो डेट और टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग डेट और टाइम की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो लॉन्ग डेट और टाइम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम की, तो ये बेसिकली आपका टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज की, तो आपका ये जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पर आपका ये जो डेटा है वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साइंटिफिक्स की, तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो साइंटिफिक्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो टेक्स्ट में आपका ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप ये सारे के सारे फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। आपको डेट चाहिए आप डेट ले सकते हैं, टाइम चाहिए टाइम ले सकते हैं, अकाउंटिंग चाहिए अकाउंटिंग ले सकते हैं, करेंसी चाहिए करेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन है। इस वाले डायलॉग बॉक्स पर भी क्लिक करने के बाद आपकी वही सेटिंग्स ओपन होगी। यहाँ पर हम क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेम उसी की सेटिंग्स हमारे सामने वापस से ओपन हो गई है, जिसके अंदर अगर आप करेंसी यूज़ करना चाहें, टेक्स्ट यूज़ करना चाहें, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स का यूज़ करना चाहें, कस्टम यूज़ करना चाहें, डेट और टाइम यूज़ करना चाहें, जनरल यूज़ करना चाहें, यही सारी सेटिंग्स हमारी दोबारा से ओपन हो जाती है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से एक एक नंबर्स की, एक एक जनरल सेटिंग्स की, या एक एक डेट और टाइम की, परसेंटेज की आप सेटिंग्स अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज की, तो यहाँ पर देखें डायरेक्टली आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ से हमने इसे अंदर से यूज़ किया था, तो आप इसे डायरेक्टली परसेंटेज में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आपको कॉमन सिंबल में कन्वर्ट करना है तो आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है कॉमा का, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो नंबर है वो कॉमन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जीरो आप यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस के बाद कि जीरो को अगर आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज हो रहा है। जितनी भी जीरो ऐड करना चाहें पॉइंट के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस को आप जितना चाहें उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके रख सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग मेन्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।